डेट है आज, एक मिनट चेक करना पड़ेगा, डेट हो गया आज 5th of February, टाइम हो गया सुबह के 9:30। एंड मुंबई में आ चुके हैं, एपिसोड 2 है। नहीं, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अब भी जस्ट मैंने पिछला व्लॉग खत्म करा है एंड ये वाला व्लॉग स्टार्ट कर दिया। हम बुआ को सरप्राइज करने आए थे, बुआ ने हमें सरप्राइज कर दिया। बुआ पहले से आके बैठी है यहाँ पे। दो साल से ट्राई कर रहे हैं सरप्राइज करने का, दूसरा साल है, हर बार आप सरप्राइज करते थे। आज सरप्राइज हो गए दोनों। हाँ, आज दोनों सरप्राइज हो गए। पता क्या हुआ, चाचा ने हमें नहीं बताया कि बुआ और फूफू आ गए यहाँ पे, और इन्हें नहीं बताया कि हम लोग आ गए, तो दोनों को एक साथ सरप्राइज दे दिया। लेकिन हमें पता था नहीं पता आपका पोपट का लो चुका, तो बाथरूम चेक नहीं करा पिछली बार, में बाथरूम में छुपा था ना, इन्होंने पकड़ा था। सो गाइस, अभी का सीन क्या है, अवनी, मैं, सानवी और मेरे पापा, हम लोग जा रहे पीछे प्रभा देवी बीच, एंड अभी जा रहे जू बीच भी। हम नहीं जा रहे। कौन? नहीं, जुहू बीच तो सब जा रहे हैं, लेकिन अभी प्रभा देवी बीच नहीं जा रहे ना तुम लोग। हाँ, हम दोनों नहीं। प्रभा देवी बीच बस पापा के साथ मैं ऐसी बस एक चक्कर मार के आ रहा हूँ। सो गाइज, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस जगह पर, इसे बहुत मिस किया, पता है 9 महीने बाद आया हूँ मैं यहाँ पे। एंड अवनी, इस बार तो पापा भी हैं। हाँ अवनी, 9 महीने बाद। हाँ। सेम जगह। हाँ। कहाँ आगे आगे तक जाते थे हम लोग, ये जगह बिल्कुल नहीं बदली। और बस ये है, इस बार हमने थोड़े पैसे खर्च करके क्रॉक्स खरीद लिए, तो उसके अंदर मिट्टी भर रही है। मैं पिछली बार आई थी, मेरे पास सभी सेम क्रॉक्स थे यार। इसकी गंदगी वैसी की वैसी है, लेकिन अब बीच में साइड में, मतलब बीच किनारे, पानी के किनारे बीच पर घूमने में मजा ही अलग है। गाइस, फाइनली वी हैव लेफ्ट फॉर जुहू बीच एंड और अभी 15-20 मिनट में पहुंचने वाले हैं। सामने है, नहीं सीधा 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 सामने है मुंबई का फेमस ट्रैफिक। तो मैं अच्छे से ना वीडियो बना नहीं पा रहा, और देखो भाई यहाँ पे अलग ही मजे चल रहे हैं। ये देखो, सानवी, नकुल, कार्तिक, नकुल, कार्तिक, और ये हमारा जुहू बीच। अवनी वहाँ पे अपने पापा का वेट कर रही है, वो भी आए नहीं थे। भाई टाइट देखना, साथ में बोट्स को उड़ा उड़ा के बाहर ला रही है। ये जैक स्पैरो का खजाना ढूंढ रहा है। एक चीज बतानी रह गई आपको, कार्तिक आइयो इधर आ, नकुल तू चुप रहियो, ये बताइए जो पीछे ब्लू और व्हाइट वॉल है इसके पीछे क्या है? ये मेरे को लास्ट टाइम आया था तब पता चला था, अभी अब हो गया। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है हमारे यहाँ, टेक वाले समझ गए, पुराने वाले इंटरनेट एक्सप्लोरर। अभी तो यहाँ से 2 मिनट में हेलीकॉप्टर, कभी प्लेन, छोटा एयरपोर्ट है ना, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर और प्राइवेट और छोटे वाले प्लेन ही रहते हैं। ये लड़की है फुटेज की बुकी, इसे बोला था हट जा, वो बच्चा कलाबाजिया कर रहा था जिसका हमने भी शॉट लिया था, ये बीच में नाच रही है फ्रेम में, मन करता है इसे उठा के ऐसे पीछे धक्का दे दो और ये जाए समंदर में। स्पीड बोट से, और भाई स्पीड बोट का एक्सपीरियंस और यार इतना अच्छा था ना वो, एकदम एक नंबर एक्सपीरियंस। अरे ना पापा ने थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई हैं, अगर वो वीडियो डंकी हुई तो मैं डाल दूंगा, और देखना भाई गजब था। ये जो जू बीच पे अभी कुछ टाइम पहले ही स्पोर्ट्स स्टार्ट हुए हैं एंड इससे बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है ये, एक तो यहाँ के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड जो मज़ा है यहाँ पे भाई एक नंबर। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद फाइनली हम लोग निकल जा रहे हैं यहाँ से एंड जुहू से। अब प्लान है लेकिन थोड़ा आड़ा टेढ़ा है, या तो लिंकिंग रोड
लिंकिंग रोड या तो बैंड स्टैंड, अभी देखते कहाँ जाते हैं। सो गाइस अभी जुहू से तो निकल चुके हैं एंड जुहू से निकल के अभी हम लोग जा रहे हैं बैंड स्टैंड। तय ये हुआ है कि एक गाड़ी में वो सब मतलब सारे बड़े लोग जो हैं वो जा चुके हैं घर, मतलब उन्हें वो लिंकिंग रोड छोड़ते हुए घर चले जाएंगे एंड हम लोग सारे बच्चे एक्साइटमेंट इनकी थोड़ी लो है क्योंकि इन सबके पैरों में रेत है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं बैंड स्टैंड एंड बैंड स्टैंड के बाद फिर हम घर चले जाएंगे। चले सीधा बैंड स्टैंड में मिलते हैं, बैंड स्टैंड फोर्ट में, जहाँ पे मेरी 2020 वाली ट्रिप में एक बंदे के अंदर भूत आ गया था, कोई तो रोया था। सो गाइस हियर वी आर एट बैंड स्टैंड फोर्ट, और फोर्ट जो है वो कैमरे के पीछे है। अभी एक्चुअली नीचे आए थे कुछ फोटोज लेने, फोटोज ले लिए एंड अब जा रहे हैं ऊपर। सो गाइस दिस इज द बैंड्रा फोर्ट एंड ये फोर्ट काफी फेमस है, आपने देखा होगा काफी मूवीज में। और ये बंदर तो मेरे व्लॉग में दिखता है, ये वाला तो रोज दिख जाता है, ये कभी जब बॉम्बे आते हो तब दिखता है या ये दिल्ली आता है तब दिखता है। ओ स्टैचू मैन, ये बंदा स्टैचू बन के खड़ा है, ये भी सही है। चल जा, कैन बी स्केयर्ड एट हर बेस्ट। हालत खराब है, वो पास नहीं जा रही उसके। हाँ। तू भी नहीं जा रही। सो गाइस दिस इज द लैंड्स एंड ताज लैंड्स एंड एंड इधर ये सारे बेचारे बच्चे मैगी का वेट कर रहे हैं। इसने तो कहा मैगी छोड़ो मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ, बहुत टाइम लग रहा है मैगी में। तेरा क्या है, वेट कर रहा है अवनी? कितनी देर से वेट कर रही है? 5 मिनट या 15 मिनट, डिसाइड कर लो भाई। 5 मिनट हुए। वो 20 मिनट, 5, 15, 20, तू 6 मिनट। डिसाइड करके एक बताओ ना। छोड़ो तुम पागल हो, इनका भूख के मारे दिमाग खराब हो चुका है सारे बच्चों का। गाइस हम लोग निकल चुके हैं बैंड स्टैंड से घर की तरफ एंड मैगी खाली, भाई पेट थोड़ा सा भर गया, अब घर जाकर राजमा चावल खाएंगे। एंड अभी जिधर मैं हूँ बसेरा अक्षय कुमार का बंगला पीछे उधर साइड में, एंड मन्नत और संजय दत्त का घर एंड आगे गैलेक्सी अपार्टमेंट्स। ये रोड मेरी फेवरेट है, पता नहीं क्यों, एक्ट्रेस के घर की वजह से नहीं, बस यहाँ का जो व्यू है ऐसा व्यू मरीन लाइन्स में नहीं है और वर्ली सीफेस में तो बिल्कुल नहीं है, ये वाले व्यू बस यहीं पे है और ये मेरा फेवरेट है। गाइस ये ट्रैफिक यहाँ का 5 मिनट कंजेशन। चलो फाइनली मुंबई आए हुए, इतनी देर हो गई ट्रैफिक नहीं देखा था मुंबई का, दिख गया वो भी एग्जैक्टली जो नकुल ने कहा वो सच है। नकुल एक बार बताइए क्या कहा तूने? ये ट्रैफिक कुछ नहीं, इससे ज्यादा ट्रैफिक तो मीरा रोड में बालकनी से दिखता है ना, नीचे से ये बना है, मैंने तो देखा है, समझ गया। क्रॉसिंग इतने लंबे, ये तो कम ट्रैफिक है भाई, ये तो फिर भी एवरेज है, लेकिन ट्रैफिक तो दिल्ली वालों के लिए ट्रैफिक है। गाइस काफी देर पहले हम लोग पहुंच चुके थे घर पर एंड बीच से बहुत ज्यादा थक हार के आने के बाद हम लोग सो गए थे एंड मैंने एक बेवकूफी करी, मैंने सनस्क्रीन हाथों में लगा ली, पैरों में लगा ली, मुंह पे लगानी भूल गया, तो थोड़ा थोड़ा असर है। एंड अभी रात को कुछ प्लान कर रहे हैं डिनर के बाद शायद मरीन ड्राइव जाएं, लेकिन वो हम आपको दिखाएंगे अगले व्लॉग में। ये व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बड़ी ऐसी वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।